मथुरा जिले की छाता तहसील में राशन डीलरों की मनमानी दबंगाई से जनता त्रस्त है। इस समस्या से गरीब राशन कार्ड धारकों के द्वारा संबंधित विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया जाता है, परंतु किसी वह दबाव के कारण कोई भी अधिकारी जनता की नहीं सुनता। आज ग्राम दोताना राशन डीलर की शिकायत लेकर दर्जनों महिला व पुरुष आपूर्ति कार्यालय छाता जा पहुंचे और राशन डीलर द्वारा राशन नहीं देने की बात कही और बताया कि यह डीलर जिन लोगों को राशन देता भी है तो वो कम देता है, कार्ड धारकों से अभद्रता के साथ बात करता है, सरकार के द्वारा फ्री राशन मिलने पर पैसे लेता है। गाँव में नगमा नाम से राशन की दुकान जिसके पति मुफिद संचालित करते हैं, यह राशन डीलर गरीबों के राशन को डकार रहा है। वहीं दर्जनों महिलाओं व पुरुषों का कहना है कि जब से यह राशन की दुकान आई है तभी से इसकी शिकायतें जारी हैं। अम्मा बताएं क्या समस्या है? ऐसे यहाँ 20 किलो तो गेहूँ मिले और 15 किलो चावल मिले, अब वो 10 किलो तो गेहूँ दिए और 20 किलो चावल दिए, 5 किलो काट लिए महीने में 10 किलो। आपका कौन सा कार्ड है, गरीबी वाला है, कौन सा कार्ड है? गरीबी और बीमार। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? दोतानी। तो राशन डीलर क्या कहता है फिर, आपको राशन नहीं दे रहा है? दे रहा है, मेरे गाँव 6 दाड़ी दिया, 5 किलो आप कम देता है, कम 5 किलो आप दिया कम। अब यहाँ ऑफिस पे क्यों आए, कम देने की वजह से या राशन नहीं मिल रहा है? हमें तो मिलेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरिफ है जी। अच्छा, क्या समस्या है इधर राशन ऑफिस छाता में आए हैं आप? समस्या ये बात की है जी, हर महीने राशन बढ़ता है, पहली बात तो राशन कम देते हैं और फ्री भी बटाता तो उसके भी पैसे ले लिए, उसके भी पैसे आज तक ना दिए। कहाँ से रहने वाले हैं? ये कहाँ का राशन डीलर है, कहाँ के रहने वाले? दोताने के जी। दोताना, क्या नाम है राशन डीलर? नगमा। तो क्या कहता है वो? और नगमा तो बैठते नहीं है, उसका आदमी बैठता जी, मुफीद, वो गाली को उतार देता, उल्टा सीधा बोलता। अभी जो आप बात कर रहे हैं कि फ्री से मिलने वाला राशन, उसके भी पैसे लिए थे, तो ये कब से हुआ है आपके साथ में? ये तो शुरू से ही चल रहा है जी, शिकायत भी हो चुकी है कई बार, ऑनलाइन भी शिकायत करी है हमने भी। आज यहाँ पे आप अधिकारियों के पास में आए हैं, अधिकारी आज आपको मिले यहाँ पर? अधिकारी अभी नहीं मिले, हमने ऑनलाइन भी शिकायत करी है 2-3 बार, उसकी भी खाना पूर्ति हो गई, उसका भी कोई वो नहीं, जवाब नहीं है आज तक। राशन नहीं देता। कहाँ का रहने वाला है वो मुफीद राशन डीलर? तो क्या समस्या आ रही है? हमें राशन पूरा नहीं दे रहा और गाली उतार देता है, राशन को धक्का मारता है। आपको ही नहीं दे रहा कि सभी को? नहीं दे रहा। कितना कम देता है? हमारे 4 यूनिट है तो हमें 16 किलो देता है, वो बैठता है उस 15 किलो और कहते हैं तो कलेस करता, जाओ मैंने कल गई तो राशन लेने भगा दी मुझे, गला राशन नहीं मिला तुझे, सच बोल रहा तो राशन नहीं मिलेगा, उसकी कहते रहो तो राशन मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? वो सरकार की तरफ से मिलता है। नहीं, वो ऑफिस का राशन है, राशन ऑफिस नहीं दे रहा ना खाने की, नहीं है ऑफिस अपनी मनमर्जी कर रहा है, जो करा जाएगा मनमर्जी कर रहा है अपनी। नहीं, आपने उसको बोला नहीं कि अधिकारियों से आपकी शिकायत होगी? फिर क्या कहता है? कुछ भी कर लो, उसकी तक करिया रिपोर्ट करिया, कुछ भी ना होगा उसका, कुछ नहीं बिगड़ेगा, उसका माल भी नहीं बाकी होगा उसका। तो क्यों नहीं मिलेगा? पता नहीं क्यों नहीं मिलेगा, ऑफिस ने पैसा भर दिया, बड़े उनको सरो के नहीं है, तो मैं मुंह पे कह दूं ऑफिस के। आज यहाँ पे आप क्यों आए? हम राह ढूंढ रहे हैं, हम बहन बेटी यहाँ के, हम नहीं बस गए, आके रहने लगे हम, राशन नहीं मिल रहा। आज यहाँ तहसील में आए हैं अधिकारियों के पास में, आज सुबह जल्दी आ गए, तो अधिकारी मिले आपको यहाँ? नहीं मिले हमें। तो क्या लगता है आपकी समस्या समाधान हो जाएगा? अब ये पता नहीं समस्या हल होगी कि नहीं होगी, मतलब हम तो आगे भी जाएंगे, जो यहाँ नहीं होगी तो आगे जाएंगे, उससे भी आगे भी जाएंगे, हम जब अपनी हिम्मत उठा ली तो उठा ली, हमको डर ना रहा किसी का, खाने को नहीं दे रहा ऑफिस,